हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस तरह की झुमकी, और ये मेरे पास कुंदन के पीसेज हैं, इस तरह के कुंदन के पीसेज, और ये गंठन माला का हम यूज़ करेंगे बाद में लटकन के लिए। तो इससे हम किस तरीके से एक झुमकी बना सकते हैं नए डिज़ाइन की, तो आज वो सीखेंगे। तो ये मैंने छोटी वाली जंप रिंग ली है, तो इस जंप रिंग की हेल्प से सबसे पहले मुझे इन कुंदन्स के साथ इन झुमकी को कनेक्ट करना है। तो ये मैंने कर दी है, इस तरीके से ये झुमकी बन जाएगी। और ये इसके पीछे कुछ भी नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो इसके लिए मैंने ये इस तरीके के बैक में लगाने के लिए इस तरीके के ये हुक आते हैं, इस तरीके के ये स्टड्स आते हैं, तो मैं इन्हें एडिलाइट की हेल्प से इसमें एडजस्ट कर दूंगी, तो ये मेरे पीछे आराम से हो जाएंगे सेट। तो इस तरीके से मैं ये सेकंड वाली भी रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये सेकंड वाली भी मेरी झुमकी रेडी हो गई है। इस तरीके से ये मैंने झुमकी रेडी कर दी है। और ये मेरे पास गंठन माला है, तो मैं ये गंठन माला ले रही हूँ, और मैं इसे अकॉर्डिंग माय लेंथ मैं इसे इस तरीके से ये इतना लंबा कट कर रही हूँ। ये मैं मेरे ये फिफ्थ है, इस तरीके से मैं ये बाकी के भी कट कर लूँगी। ये देखिए, ये फिफ्थ पीस था, और इसके बाद ये एक लास्ट वन बचा है, तो मैं उसे भी इसी तरीके से नाप के और कट कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरे 6 पीस हो चुके हैं तैयार, मैंने 6 पीस तैयार कर लिए हैं। और अब मुझे इन पीसेस को इस तरीके से चेक कर लेना है कि इसमें कहीं जगह तो नहीं है। और अब मेरे पास ये है, तो मैं ये 4 mm की जंप रिंग यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर की। और मैंने इन जंप रिंगों में इस तरीके से इन तीन लटकन को लिया है, और इस तरीके से ये इसके अपोजिट साइड में, जिस साइड मैंने झुमकी लटकाई थी उसके अपोजिट, इस तरीके से मैं इसे कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, सेकंड वाली झुमकी को भी मुझे इसी तरीके से कनेक्ट करना है, तो सेकंड झुमकी भी मैं इसी तरीके से कनेक्ट कर लूँगी। मैंने ये जंप रिंग में तीनों ये चैंस ली इस तरीके से, और ये मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गई, तो ये वेयरिंग लुक में कुछ इस तरीके से आएगी। और लास्ट में मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये लेना है मुझे, और ये जो मेरी पहले से ये हैंगिंग्स मैंने रेडी करके रखी थी, इस हैंगिंग्स को इसके एंड पर इस तरीके से जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर देना है। मैं सारे बीड्स को भी, मैंने 8 mm के बीड यूज़ किए हैं, अगर आपके पास 10 के हों, 12 के हों, तो और भी अच्छा है, और भी बढ़िया लुकिंग आएगी इससे। तो ये मैंने वाइट पर्ल लिए हैं, अगर आपके पास झुमकी का कलर या उस पे मीना कोई और कलर से हो रहा हो तो आप वो यूज़ में ले सकते हैं। ये इस तरीके से मैं स्टड बाद में लगा के दिखाऊंगी, तो इसका लुक इस तरीके से आएगा। और आप चाहें, ये देखिए, ये इस तरीके से लुक आएगा इसका। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से, आप जब इसमें स्टड लगाएंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। एडजस्टेबल चैन आप बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, ये चैन मैंने इतनी लेंथ की ली थी, आप चाहें तो 12 से। मैंने इस तरीके की इस तरह की ये चीड़ आती है, तो वो चीड़ ली है, और इस बीट्स को इस तरीके से हेड पिन में इंसर्ट कर लिया है। और इसकी लूप बनाने के लिए मुझे एक निडल चाहिए, तो अगर आपके पास निडल हो बड़ी वाली तो उस तरीके से, बाकी मेरे पास ये वायर है, तो इस तरीके से मैंने ये इस को लूप बना लिया और एक्स्ट्रा वायर कट कर लिया है, तो ये हमारी हैंगिंग्स बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के लिए, आपको अगर हैंग करने के लिए बीड्स की हैंगिंग बनानी हो तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा सेकंड वाला भी रेडी है, और मैं इसमें क्यू फिक्स की हेल्प से इनको, इसके जो पीछे वाले स्टड्स हैं ब्रास वाले,
वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी फेविक्विक ली है और ये इस तरीके से ये इसमें मैंने एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए, ये इस जगह मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया है। सूखने के बाद ये बिल्कुल फर्म हो जाएगा और बिल्कुल भी निकलेगा नहीं अपनी जगह से। तो आप इस तरीके से भी, अगर आपको जल्दी का है तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, वरना आप ये। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं डेली इसी तरीके के वीडियो डालती हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको मेरे बनाए हुए DIYs पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टोर का एक रिव्यू करूँ, बेसिकली मैं मीशो पे सेल करती हूँ, तो मैं तो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने स्टोर के बारे में और एक्सप्लोर करूँ आपको, या क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं बेसिक ज्वेलरी मेकिंग के लिए या हैवी लुकिंग ज्वेलरी मेकिंग के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।